हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर एसी टेक चैनल, जहां पर आपको मिलेगा पूरा सलूशन आपके प्रॉब्लम का। आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि आप लोग कैसे आईफोन के अंदर डेटा उसेज देख सकते हो। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को आ जाना है अपने आईफोन की सेटिंग्स के अंदर, और यहाँ पर आने के बाद आपको टॉप पर आ जाना है। टॉप के अंदर आने के बाद आप लोगों को स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद ब्लूटूथ के नीचे वाला आपके सामने ऑप्शन शो हो रहा होगा मोबाइल डेटा का। सिंपल आप लोगों को इसके ऊपर टैप कर देना है। इसके ऊपर टैप करने के बाद यहाँ पर आप लोगों को नीचे आना है थोड़ा सा, और नीचे आने के बाद यहाँ पर आप लोगों के सामने ऑप्शन मिल रहा होगा करंट पीरियड। ठीक है दोस्तों, और करंट पीरियड के नीचे आप लोगों के सामने सारी चीज़ें मौजूद होंगी। तो यहाँ पर करंट पीरियड के अंदर बता रहा है 2.9 GB जो है हम लोगों ने डेटा की इस्तेमाल करी है। कैसे इस्तेमाल करी है? 780 MB तो हम लोगों ने सिर्फ यूट्यूब के ऊपर खर्ची है, और 681 MB हम लोगों ने पर्सनल हॉटस्पॉट के ऊपर लगाई है, 402 MB इंस्टाग्राम, 377 MB स्नैपचैट, और बाकी एप्लीकेशंस का यहाँ पे इसने उसेज दे दिया है। इसके अलावा लाइफ टाइम हम लोगों ने कितनी जो है डेटा यूज़ किया है, और करंट पीरियड में हम लोगों ने कितना डेटा यूज़ किया है, यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के सामने मौजूद है। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।